देश में नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनेगी। यूं तो बीजेपी ने देश के हर राज्य में बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन राजस्थान का यह प्रदर्शन कई मायनों में खास है। मेरे साथ बात करने के लिए चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, प्रमुख रणनीतिकार रहे पूरे चुनाव में। सर, किस तरह आंकते हैं आप मिशन 25? बड़ी चुनौती थी लेकिन पूरा हुआ है। राजस्थान के लोगों का जिस प्रकार का मन बना हुआ था, कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए आतुर थे सब लोग। वसुंधरा जी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, वहीं नरेंद्र मोदी के नाम का अंडरकरंट 440 वाट का दौड़ रहा था। वसुंधरा जी का जादू और नरेंद्र मोदी का करंट दोनों ने मिलकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। आजादी के बाद पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी को, जिसके पास शासन था, इतनी शर्मनाक हार को झेलने का मौका मिला है। राजस्थान का हर वर्ग उठ खड़ा हुआ। उम्मीद नहीं थी, हमारे जो सांसद जीते हैं उनका मतों का अंतर अगर हम देखें तो 5 लाख से लेकर और 18 सांसद 2 लाख से ज्यादा मतों से जीत जाए, ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि लोगों के मन में जो इच्छा है कि इस बार फिर राजस्थान के अंदर कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, मैं समझता हूं निश्चित तौर पर पूरा होंगे। और मिशन 25 एक कहने को चुनौती था, परंतु हमें जहां भी हम कैंपेनिंग के लिए वसुंधरा जी जाते थे, हम देखते थे कि ये बड़ी चुनौती नहीं थी, सहज भाव से मिशन पूरा हुआ। राजस्थान के लोगों की आकांक्षाएं बड़ी हैं। राजस्थान के लोग अब नए राजस्थान की कल्पना और उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं। मिशन 25 पूरा होने के साथ साथ निश्चित तौर पर उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए हमारी नेता वसुंधरा जी तैयार है, कमर कसे हुए हैं। ये थे चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने मिशन 25 की सफलता का श्रेय वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कड़ी से कड़ी जुड़ने पर राजस्थान का ऐतिहासिक विकास होगा। कैमरामैन रमाकांत के साथ शिवेंद्र सिंह परमार, ईटीवी न्यूज, जयपुर।